नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे पास में स्पार्टन की पैसेंजर लिफ्ट SPM 150V, इस मॉडल नंबर की पैसेंजर लिफ्ट हमारे पास में आ चुकी है। तो ये महाराष्ट्र से, मुंबई से आई है हमारे पास में। हमारी साइट तो नोएडा में है, तो ये नोएडा में हमें लगानी है अपनी साइट पर। तो इसमें लगाने में हमारे पास में पहले जो मटेरियल आया, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। हमारे पास में इसके 51 सेक्शन आए हैं, और एक इसका जो रेड कलर का आपको हमने वीडियो में दिखाया था, वो है, वो ऊपर रहता है बिना गियर का। उसमें जो है ना, वो सेफ्टी पर्पज से रहता है, ताकि वो बिल्कुल ऊपर तक ना जा पाए। तो 51 सेक्शन ऐसे हैं जिसपे वो मशीन चल पाएगी। और एक सेक्शन की हाइट हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे, तो 1510 mm, 1 मीटर 510 mm उसकी एक सेक्शन की हाइट है। और उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर उसको हमें साइड पर अपनी लगानी है, तो दो कंडीशन रहती है दोस्तों। एक कंडीशन ऐसी रहती है कि जैसे हमारे पास में स्लैब है, कि बिल्डिंग के पास में नॉन टावर की स्लैब डली हुई है, और उसके ऊपर हमें उसको फिट करनी है। तो सिंपली हम उसको स्लैब पर रख के माप तोल करके, बिल्डिंग से कितना दूर हमें रखना है, उसका कैबिन का माप तोल करके, तब हम उसमें कर देते हैं उसके फ्रेम में। उसके फ्रेम में 7 एंकर फास्टनर रहते हैं लगाने के लिए ऑप्शन, वो उसके साथ में आते हैं। तो 7 जगह ऐसी होती है उसका। ये इस टाइप का फ्रेम रहता है, हम आपको बता देते हैं। अगर हमारे पास में स्लैब है तब की बात है ये, नहीं तो हमें उसका एक फाउंडेशन तैयार करना पड़ता है। तो उसमें कुछ इस तरह का रहता है, एक यहाँ पे फास्टनर लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, 3 इस तरफ हो गए, और 4 इसमें यहाँ के रहते हैं। जैसे ये यहाँ तक भी ऐसे रहता है जुड़ा हुआ, तो इसमें जैसा एक यहाँ पे लग गया, 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 इस तरह से 7 इसमें टोटल रहते हैं। तो 7 फास्टनर रहते हैं, लेकिन इसमें इसको यहाँ तक पहुँचाने से पहले अगर हमारे पास में हम मिट्टी में हमें तैयार करना पड़ेगा फाउंडेशन, तो हम कैसे करेंगे, उसकी क्या शर्तें रहेंगी, वो सब हमारे पास में क्योंकि ड्राइंग आ चुकी है, तो हम ड्राइंग के हिसाब से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे पास में इसकी ड्राइंग आ चुकी है। तो ड्राइंग में अगर हमें मिट्टी में ही उसका फाउंडेशन तैयार करना है स्टार्टिंग में ही, जैसे नॉन टावर हमारे पास में नहीं है और नीचे टावर के पास से ही हमें इसका फाउंडेशन तैयार करना है, तो कैसे करना पड़ेगा। तो उसकी ड्राइंग में इसका दिया है कि 3350 यानी 3 मीटर 350। तो उसका चकोर फाउंडेशन उसने बनाने के लिए बोला है कंपनी ने, कि आप इस तरह का फाउंडेशन हमें, ये बिल्कुल चकोर 3 मीटर 350 ये ऐसे हो, और ये वाला एरिया भी 3 मीटर 350 हो। तो अब इसको हम जब तैयार करेंगे, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, PCC करेंगे, क्योंकि अब PCC करने के लिए हमें पहले मिट्टी देखनी पड़ेगी, कि मिट्टी ज़्यादा अगर फुलफुली है तो उसको जो है ना अच्छी तरह कॉम्पैक्ट करना होता है, हमें लेवल करना होता है, तब जाके उस पर PCC करनी होती है। और ज़्यादा फुलफुली मिट्टी यानी खुली सी मिट्टी रहती है, तो उसमें हमें PCC 100 mm तक भी डालनी होती है, नहीं तो 50 mm 70 mm आपको जैसा ठीक लगे वहाँ पे मिट्टी की कंडीशन देखे। क्योंकि उसने ड्राइंग में ये भी मेंशन किया है कि उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए वहाँ पे मिट्टी की, तो उसने यहाँ पे क्लाउज में अपने यहाँ पे दे दिया नोट्स में कि फाउंडेशन साइज ये 3 मीटर 350 जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये इसमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया है 3 मीटर 350 बाय 3 मीटर 350। तो इसके ऊपर जो इसकी थिकनेस जो रहेगी, हम यहाँ पे आपको सिंबल थोड़ा सा ये बता देते हैं करके, कि इसकी मोटाई जो रहेगी, तो इसकी जो मोटाई रहेगी दोस्तों, ये 300 mm मोटाई रहेगी। तो ये 300 mm ये जो है, ये मोटाई जो रहेगी वो 300 mm रहेगी। तो इस तरह का हमें करना होता है। तो जब हम इसको करेंगे, तो PCC थोड़ी इसको 100 mm बाहर ही करेंगे, जिससे कि हमारी शटरिंग लगने में थोड़ी सी मदद मिल जाए, तो 100 mm थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है चारों तरफ से ही। तो अगर ये 3350 है, तो हमें टोटल वहाँ पे 100 mm इधर, 100 mm इधर, तो दो ये 3550 हमें टोटल PCC करनी पड़ेगी इसकी। और उसमें उसके बाद उसमें जो हमें कॉन्क्रीट डालनी है और सरिया जो बांधना है, उसका भी क्या इसमें रेशियो दिया है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इसमें ये दिया है कि द फाउंडेशन शुड बी लेवल्ड एंड कॉम्पैक्टेड। तो उसको हम पहले लेवल कर लेंगे और कॉम्पैक्ट कर लेंगे मिट्टी को, बिफोर कॉन्क्रीट इज प्लेस्ड। तो कॉन्क्रीट डालने से पहले हम उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, लेवल करेंगे। तो इसमें द मिनिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल शुड बी 0.15 MPa। अब MPa का हम आपको दोस्तों इतना डीपली नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने ज़्यादा स्टडी नहीं किया है। तो MPa ये हम इतना बता सकते हैं कि ये उसकी लोड जो है ना, लोड झेलने की क्षमता, जिसे हम बोल सकते हैं मिट्टी की, ये वो है। तो इतनी इसकी क्षमता होनी चाहिए 0.15 MPa।
तो उस मिट्टी की इतनी क्षमता होनी चाहिए। तो तीसरे नंबर पे इन्होंने लिखा है इट इज रिकमेंडेड फॉर डाया 12 mm का यानी 12 mm का सरिया। तो इसमें स्टील कौन सा लगेगा, स्टील इसमें 12 डाया का, तो डाया का कुछ इस तरह के 12 mm डाया का इसमें सरिया चाहिए। टोर स्टील बार टू बी यूज फॉर रेनफोर्समेंट स्पेस्ड एट 200 यानी 200 cc इसमें लिखा है। तो 200 की हमारी स्पेसिंग होगी, यानी एक सरिया अगर हमने यहाँ पे लगाया है तो दूसरा सरिया इसकी 200 mm, ये जो दूरी है वो 200 mm की स्पेसिंग पे लगेगा टोटल। तो उस हिसाब से जितने सरिये इसमें लगते चले जाएंगे वो 200 mm की दूरी पर लगते चले जाएंगे इसमें, ये भी और ये भी। तो ये इसकी स्पेसिंग हो गई 200 mm की। रिकमेंड चौथे नंबर पे इसने लिखा है रिकमेंडेड टू यूज M20 ग्रेड कॉन्क्रीट। इसके बाद में हम जब इसमें कॉन्क्रीट करेंगे वो रहेगा रेशियो M20 का। तो हमारे पास में मोस्टली स्लैब के कॉन्क्रीट जो चलती है वो M25 चलती है, और वैसे तो हमारी साइड पे तो 30 चल रही है दोस्तों, कमर्शियल प्रोजेक्ट है हमारा तो। लेकिन इसका इसके डिमांड जो है वो कम से कम M20 ग्रेड का हमें इसमें डालना पड़ेगा। ज़्यादा हम भले ही डाल दें लेकिन इससे कम ना करें, क्योंकि सेफ्टी पर्पज से वो बेटर होता है। अगर ज़्यादा का रेशियो M20 की जगह M25 डाल सकते हैं, लेकिन M15 आप उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते, अपग्रेड कर सकते हैं। एंकर फास्टनर बोल्ट फोर फाउंडेशन प्रोवाइड विद द होस्ट। तो फास्टनर हमने आपको बताया कि 7 फास्टनर इसमें लगेंगे, तो 7 फास्टनर वो साथ में दिए रहते हैं और वो इसमें लगेंगे। तो इस तरह से हमने आपको ड्राइंग के बारे में इसमें बता दिया है। और इसमें यहाँ पे दोस्तों, वैसे तो हम ड्राइंग का फोटो इसमें दिखा देंगे, इसमें जो यहाँ पे ये फाउंडेशन में जो निशान दिए गए हैं ये समझो कि इसमें जो यहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो, तो ये एरिया इतनी जगह से हमें डाउन करने के लिए कंपनी ने बोला है कि इसको जो है ना थोड़ा डाउन करके रखें, जिससे कि प्लेटफार्म के आसपास में कोई भी इसकी फ्रेम के नीचे पानी इकट्ठा ना हो और वो बाहर ड्रेन हो जाए। तो ये हमें क्या करना है, 3500 तो हमारा टोटल PCC का बैठा है, लेकिन 3350 गुणा 3300 इसको थोड़ा हम बड़ा लिख देते हैं जिससे कि ये सही समझ में आ जाए। तो फाउंडेशन का क्या इसमें 3350 300 लंबाई चौड़ाई और ये मोटाई यानी थिकनेस, इस रेशियो में हमें इसका फाउंडेशन तैयार करना है। तो ये इसका फाउंडेशन हो गया। तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो है ना सोइल को लेवल पहले लेवल करना पड़ेगा, वहाँ पे एरिया एक डिसाइड करके, उसके बाद में लेवल को करने के बाद में इसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में कॉम्पैक्ट कर दिया हमने यहाँ पे लेवल के बाद में कॉम्पैक्ट, उसके बाद में PCC के बाद में फिर स्टील की बारी आ जाती है, तो स्टील करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, स्टील जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके पास में शटरिंग और शटरिंग के बाद में फिर ढलाई, उसके बाद में कंक्रीट। तो ये प्रोसेस तो आप सब जानते हैं दोस्तों, तो फिर भी हमने आपको बताने की कोशिश की है कि ये हमें इसका फाउंडेशन तैयार करना है और इस पे हमें ये लगानी है। तो फाउंडेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ पे मिट्टी को लेवल करना पड़ेगा, उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा और फिर उस पर PCC करनी पड़ेगी, और इस PCC के ऊपर हमें फिर ये इस लेवल की स्लैब एक डालनी पड़ेगी, जिससे कि इसका फाउंडेशन हमें तैयार मिलेगा। वो 3550 की हमें PCC के ऊपर में आ जाएगा, 3350x3350 का 300 mm की थिकनेस का फाउंडेशन। तो इसके दोस्तों हमने आपको कहा था कि हम उसके एक सेक्शन में कितने दांत रहते हैं वो भी बताएंगे। तो इसका जो गियर चलता है जिसपे हमने उसको काउंट कर दिया है दोस्तों, एक सेक्शन में 1510 mm की उसकी हाइट है एक सेक्शन की, और उसमें 80 दांत यानी 80 टीथ रहते हैं उसके गियर के। तो दोस्तों इसके बाद में हम जो भी जानकारी हमें मिलती रहेगी और जैसे जैसे वो फिट होगी तो उसकी कंप्लीट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों इसी सब के लिए, अगर हमारे इसी वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि दोनों जगह पर आपको ये वीडियो SK इलेक्ट्रिकल के नाम से मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।